नमस्कार दोस्तों, आप सभी कुशल मंगल होंगे और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, हम सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारा स्टार्टअप है दोस्तों और हम टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। यूनिक शॉर्टकट हम अपने चैनल पर लाते हैं एप्स विंडो से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी वीडियो स्पेसिफिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज के डेस्कटॉप आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें शॉर्टकट्स, फाइल्स, एप्स और विंडोज आइटम जैसे कि माई पीसी, रिसाइकल वगैरह सभी होते हैं और अनसॉर्टेड रहते हैं। अनसॉर्टेड मतलब कि जहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी में जमे हुए नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आइटम है उसका नाम का फर्स्ट जो लेटर है, जैसे कि यहाँ पे पीडीएफ फाइल है जो डिफॉल्ट रूप से मेरे क्रोम में ओपन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन करके नॉर्मली डबल क्लिक करके हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को पता नहीं था कि क्रोम भी एक पीडीएफ व्यूअर के जैसे काम करता है, तो इसी बात पे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेस्कटॉप आइटम को कैसे सर्च करते हैं। सबसे पहले इसे क्लोज कर देते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट लेटर आपको चूज करना है, जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है, सी से देखना चाहते हैं कि सी से कौन कौन से यहाँ पर हैं। तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे शिफ्ट की, विंडोज की और सी। शिफ्ट की, विंडोज की और डी, ठीक है दोस्तों, शिफ्ट विंडोज डी। आप देख सकते हैं डाउनलोड यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं अगर एस से सर्च करना चाहता हूँ तो शिफ्ट विंडोज एस प्रेस करना है आपको। सॉरी, यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट आ रहा है। शिफ्ट विंडोज आर प्रेस कर देते हैं हमने। शिफ्ट विंडोज आर, देखिए रिसाइकल पिन सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद जी सेलेक्ट हो चुका है। फाइल हमारा पीडीएफ सेलेक्ट करना है, ई, यहाँ पर सब मैं शिफ्ट विंडोज की और ई की प्रेस कर रहा हूँ, इसलिए ये फाइल सेलेक्ट हुआ है। शिफ्ट विंडोज प्लस अल्फाबेटिकल करेक्टर, जिस आइटम को हमको सेलेक्ट करना है वो प्रेस करना है। विंडोज शिफ्ट जी प्रेस किया, क्रोम पर आ गया। विंडोज शिफ्ट एफ फायरफॉक्स के आइकन पर आ चुका है। विंडोज शिफ्ट एच, यहाँ पे देख सकते हैं यूजर फाइल पे आ चुका है जो कि एच नाम से है। बस इसी तरह दोस्तों इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि ओपन करने के लिए एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी आपको सीखने को मिली होगी। अगर आपको इसी तरह कुछ नई जानकारी, इंटरेस्टेड जानकारी चाहिए या फिर मोस्टली सब ट्रिक्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।